तो नई संसद और नया भारत, बात कर लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज इतिहास रचा जाएगा। देश को आज नई संसद मिलेगी और आज देश को नया संसद भवन मिलेगा। पीएम मोदी भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। नए संसद भवन में उस ऐतिहासिक और धार्मिक सिंबल को स्थापित किया जाएगा जो अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। नए भवन के इस उद्घाटन मौके पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। नया भवन पुराने संसद भवन परिसर में ही बनाया गया है। तो आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है। तो अब से कुछ देर का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे, सेंगोल स्थापित किया जाएगा। सेंगोल की स्थापना की जाएगी विधिवत पूजा अर्चना के साथ। और ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम जो महंत प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। और यही सेंगोल संसद भवन में स्थापित किया जाएगा विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद। तो बेहद ऐतिहासिक दिन आज देश के लिए, देशवासियों के लिए रहने वाला है। 21 महीने का ये लंबा इंतजार जो कि खत्म होता हुआ आज नजर आएगा। अब से कुछ मिनट का वक्त रह चुका है, 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नई संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो सेंगोल जिसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बराबर में बगल में स्थापित किया जाएगा, ये वो सेंगोल है जिससे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल का अर्थ होता है न्याय, तो न्याय का प्रतीक इसे माना जाता है। और आज इसी न्याय के प्रतीक को स्थापित संसद भवन में किया जाएगा। और करीब 15 मिनट का वक्त रह चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे संसद भवन में और उद्घाटन उनकी ओर से आज किया जाएगा। तो नई संसद, नया भारत और इस नए भारत की इबारत आज लिखी जाएगी। कुछ क्षण रह चुके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे। 21 महीनों का ये इंतजार जो कि आज कुछ मिनट में ही खत्म हो जाएगा। हालांकि जानकारी ये भी है कि कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे, उन्होंने इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। लेकिन कई ऐसे घटक दल भी हैं जिनकी मौजूदगी रहेगी उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान। तो लोकतंत्र के नए मंदिर के कपाट आज खुल जाएंगे। ऐतिहासिक दिन है, नए संसद भवन का उद्घाटन आज कर दिया जाएगा। और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्या खास है इस नए संसद भवन में वो आप जान लीजिए इस ग्राफिक्स के जरिए।